सीबीआई चंद्रचूड़ का एक ऐतिहासिक फैसला और बढ़ गई दो सांसदों की मुसीबत। बिहार हिमाचल सरकार पर भी पड़ेगा सर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने सोमवार को कहा कि सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोजन से छूट नहीं होती है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनाए गए 1998 के फैसले को सर्वसम्मति से पलट दिया है। 5 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले के तहत सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोजन से छूट दी गई थी। क्या है पूरी खबर इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं कि आप सीजीआई चंद्रचूड़ को शानदार जज मानते हैं। और हाँ, सच्ची और निष्पक्ष खबरों के लिए एमएससीवी इंडिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सीजीआई चंद्रचूड़ ने फैसले में क्या कहा। प्रधान न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि रिश्वतखोरी के मामले में संसदीय विशेष अधिकारों के तहत संरक्षण प्राप्त नहीं है और 1998 के फैसले की व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के विपरीत है। अनुच्छेद 105 और 194 संसद और विधानसभाओं में सांसदों और विधायकों की शक्तियों एवं विशेष अधिकारों से संबंधित है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने पीठ के लिए फैसले का मुख्य भाग पढ़ते हुए कहा कि रिश्वतखोरी के मामलों में इन अनुच्छेदों के तहत छूट नहीं है, क्योंकि ये सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट करती है। बिहार हिमाचल सरकार पर भी पड़ेगा असर। हिमाचल पुलिस अपनी जांच में पाती है कि बागी विधायकों ने रिश्वत लेकर क्रॉस वोटिंग की तो उन पर कार्रवाई संभव है। इतना ही नहीं, बिहार में फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार की सरकार तो बच गई, लेकिन जदयू विधायक सुधांशु शेखर ने अब आरजेडी नेताओं पर हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में केस दर्ज कराया है। सुधांशु शेखर का आरोप है कि जदयू के विधायकों को तोड़ने के लिए 10-10 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया था। इन दो सांसदों की बढ़ेगी मुश्किलें। इस आदेश के बाद हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन पर मुकदमा चल सकेगा। महुआ मोइत्रा ने अगर रिश्वत लेकर सवाल पूछा तो आपराधिक कार्रवाई हो सकती है।